हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शाही लौकी की रेसिपी। जी हाँ, शाही लौकी शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। शाही लौकी तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत लोगों को लौकी पसंद नहीं आती है, मगर इस तरीके से अगर आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है सच में। देखिए, देखने में ही कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। जिन्हें लौकी नहीं पसंद है वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इस तरीके से लौकी को बनाते हैं तो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक प्रेशर कुकर पैन चढ़ाया है जिसे मैं हीट होने के लिए चढ़ा दी हूँ। इधर मैं ले ली हूँ कद्दू काट कर, और मैं ली हूँ एक प्याज, दो हरी मिर्च, एक किंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 टमाटर को मैंने काट लिया है। तो पैन गर्म हो चुका है तो उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब तेल। तेल के हीट होते ही मैं इसमें डाल दूंगी जीरा 1 चम्मच। जीरा जब चटक जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी अपनी लौकी। तो लौकी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और नमक। नमक थोड़ी सी ही ऐड करें। तो मैं नमक डाल दे रही हूँ। इसे डालने के बाद 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लेनी है मीडियम फ्लेम पे। तो 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1/2 कप से भी कम पानी, और फिर इसका ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक, हाई फ्लेम पे 3 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। तब तक मैं इधर ले ली हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीब तेल। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और वो प्याज डाल दूंगी जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो इसे मैं भून लूंगी 1 मिनट। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ काजू 8 से 10। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैं यहीं पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक ऐड कर देने से टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच पानी ताकि हमारे टमाटर जो है वो बहुत जल्दी से गल जाए। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो पक चुके हैं। तो मैं फ्लेम कर दे रही हूँ ऑफ, और इस मिक्सचर को ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे एक मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। इसका हमें फाइन पेस्ट तैयार करना है। गरम गरम कभी भी ना पी से बाहर उछलने का डर रहता है। तो मैं इसका ढक्कन लगा के, ये देखिए पेस्ट तैयार है, और यहाँ हमारे लौकी जो है वो भी पक चुके हैं बहुत अच्छे से। 3 सीटी तक मैंने इसे पकाया था। फिर मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ तेल 3 से 4 चम्मच। तेल बहुत ही कम गर्म है, इसमें मैं एक तेज पत्ते डाल दे रही हूँ, और कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको मैं मिला लूँगी। फ्लेम एकदम लो रखें नहीं तो मसाले जल जाएंगे, और फिर मैं उसमें वो पेस्ट डाल दूंगी जो मैंने पीस कर रखा है। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लें, और फ्लेम को अब मैं कर दूंगी मीडियम। मीडियम फ्लेम पे इस मिश्रण को हमें पकाना है 5 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते रहें। फ्रेंड्स, ये सब्जी सही में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है शाही लौकी। और ये देखिए मसाले जो है वो पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट
वाला टेस्ट आ जाता है इस सब्जी में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है बटर ऐड करने से। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब मलाई, ये घर की ही मलाई है, आप चाहे तो फेस क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मैं, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लौकी जो हमने पका के रखी हुई है, वो लौकी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी लौकी नहीं पसंद करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, वो इस तरीके से बनाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें लौकी भी ऐड कर दी हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लौकी ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट पकाना है, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। थोड़ी सी नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि लौकी को पकाते वक्त और टमाटर को गलाने के लिए दोनों टाइम हमने नमक का यूज किया था, तो इस टाइम बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ मैं। और इसे अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स और फिर फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। सब्जी बनके तैयार है। थोड़ी सी धनिया पत्ती से मैं इसकी गार्निशिंग कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी यमी मजेदार शाही लौकी बनके तैयार है, आप लोग खा लीजिए, इसे बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी बात हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलूंगी मैं नई वीडियो, नए ब्लॉग या फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।